हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट जो कि है 31 जुलाई 2022, असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए बहुत ही नजदीक आ चुकी है डेट, लेकिन पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा है। क्या ड्यू डेट एक्सटेंड होगी, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स, इन केस ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हो पाती है तो आपको क्या करना है, आज के वीडियो में यही बताएंगे। रिसेंटली गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है सीबीडीटी को, जिसमें उन्होंने कहा है कि काफी सारी टेक्निकल ग्लिचेस हैं पोर्टल के ऊपर, जिसमें कि लॉगिन नहीं हो पा रहा है, AIS डाउनलोड नहीं हो रहा है, ITR फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है, सबमिट नहीं हो रहा है, आधार OTP नहीं आ रही है। तो ये सारे रीजंस देते हुए गुजरात चैम्बर ने एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है, जिसमें कहा गया है कि ITR फाइलिंग की डेट को 31 जुलाई से एक्सटेंड करके 31 अगस्त किया जाना चाहिए। और अगर देखा जाए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इस बात को कंफर्म कर चुका है। रिसेंटली 2 जुलाई को उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये इन्फॉर्म किया था कि वो भी अग्री करते हैं कि टैक्स पेयर्स को प्रॉब्लम हो रही है और पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा है, जिसके लिए कहा गया था कि उन्होंने इन्फोसिस से कहा है कि वो जल्दी ही पोर्टल को सही करें जिससे कि टैक्स पेयर्स को प्रॉब्लम ना हो। इन्फोसिस भी रेगुलरली वर्क कर रहा है पोर्टल को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन क्योंकि इस बार पोर्टल पर डबल ट्रैफिक है, एक तो ITR फाइलिंग का भी ट्रैफिक है और दूसरा आधार और पैन को लिंक करने के लिए भी यहाँ पर ट्रैफिक है, डबल ट्रैफिक होने की वजह से पोर्टल इस बार धराशायी हो गया है। ड्यू डेट तो एक्सटेंड होनी ही चाहिए, 31 जुलाई बहुत जल्दी है ITR फाइलिंग की डेट के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ 2 महीने का समय मिलता है। क्योंकि भले ही इनकम टैक्स के फॉर्म्स 1 अप्रैल को इस बार इश्यू कर दिए गए थे, लेकिन जब तक लास्ट क्वार्टर का TDS अपडेट नहीं होता है तब तक हम अपनी ITR फाइल नहीं कर सकते हैं, और लास्ट क्वार्टर का TDS अपडेट होते होते जून आ जाता है, तो हमें सिर्फ 1 या 1.5 महीने का समय ही मिलता है ITR फाइलिंग के लिए। तो मेरा तो यहाँ पर ओपिनियन ये है कि इनको परमानेंटली 31 जुलाई की डेट को हटाकर इसे आगे शिफ्ट कर देना चाहिए, जिससे कि बार बार इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो कि डेट को एक्सटेंड करना पड़े। बहुत से लोगों का तो अभी भी 26 अपडेट नहीं हुआ है और बहुत से लोगों को अभी भी फॉर्म 16 इशू नहीं किए गए हैं उनके एम्प्लॉयर से, तो 31 जुलाई इज टू अर्ली, इस डेट को आगे एक्सटेंड करना चाहिए। चलिए इस टॉपिक को लीव करते हैं, ये तो आगे हमें पता चलेगा फ्यूचर में कि डेट एक्सटेंड हुई या नहीं। अब हम यहाँ पर मुद्दे की बात करते हैं कि अगर आप 31 जुलाई तक अपनी ITR फाइल नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना है। यहाँ पर मेरा एक ही सजेशन रहेगा, ये सब आप लोग जानते होंगे कि अगर हम अपनी रिवाइज ITR फाइल करते हैं तो रिवाइज ITR पर कभी भी आपको लेट फीस नहीं लगती है, लेट फीस आपको सिर्फ बिलेटेड रिटर्न पर लगती है। तो आपको क्या करना है, आपको 31 जुलाई से पहले अपनी ITR को फाइल कर देना है, चाहे आप कैसी भी फाइल करें, चाहे आप रॉन्ग फाइल करें, लेकिन बस आपको उसे अपलोड कर देना है। अपलोड कर देने के बाद आपको उसका ई वेरिफिकेशन नहीं करना है। ई वेरिफिकेशन के लिए हमें 120 दिन यानी कि 4 महीने का समय दिया जाता है, तो इन 4 महीनों के अंदर आपको अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लेना है, अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर लेना है। इसके बाद आपको अपनी ITR को रिवाइज कर देना है, और रिवाइज ITR अपलोड करने के बाद आपको अपनी सबसे पहले ओरिजिनल रिटर्न ई वेरीफाई करनी है और उसके बाद अपनी रिवाइज रिटर्न को ई वेरीफाई करना है। ओरिजिनल रिटर्न को अगर आप 4 महीने के अंदर ई वेरीफाई नहीं करेंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगी, और इनवैलिड अगर ओरिजिनल ITR हो गई तो आप रिवाइज ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये ट्रिक आप ध्यान रखिएगा, इस पर हम डिटेल्ड वीडियो पहले भी अपलोड कर चुके हैं जिस पर कि काफी अच्छे व्यूज आए थे और काफी अच्छे कमेंट्स भी थे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। हमारे इंडिया में हर चीज का तोड़ है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, वीडियो जरूर चेकआउट करिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, AIS मैच नहीं कर रहा है, 26AS मैच नहीं कर रहा है, बस सिंपल सा काम करिएगा कि ITR को अपलोड कर दीजिएगा, सिर्फ अपलोडिंग करनी है। भले ही आप रॉन्ग फॉर्म अपलोड करें, भले ही आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अपलोड करें, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ई वेरिफिकेशन मत करिएगा, वरना आपका ITR प्रोसेस हो जाएगा। इसके बाद आप 4 महीने के अंदर अपने ITR को कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, आपको कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, वैसे डेट एक्सटेंड हो जाए तो अच्छा है, काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा। होप कि जल्दी ही हमें न्यूज मिलेगी ITR एक्सटेंशन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।